हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सावरन एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम, मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम, प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम, मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच मैं जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गाँव का रहने वाला हूँ, मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, वह लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी, बहुत बहुत प्यार दोनों के बीच हो गया। मैं चाहता था उस लड़की से शादी कर लूँगा, घर बसा लूँगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही रंग लाया। वह लड़की किसी और से प्यार करने लगा और मुझे छोड़ दिया। जब मैं उस लड़की के बारे में देखा तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ और उस दुख का क्या बताए, अभी तकले मुझे इसका दर्द है। मैं क्या बताए सर आप लोग बीच, मैं भटकता रहा, उसका गम में इधर बुआते रहा उधर बुआते रहा और मैं पागल की तरह बनाने लगा और मांग चूम कर खाने लगा सर, इधर उधर मांग कर खाने लगा सर। और जब मेरी माँ को पता चला तो मेरी माँ आई सर, मैं एक बहुत सुनसान जगह पर था और मेरी माँ आई और मेरी माँ सर मुझे खाना खिलाई भर पेट सर, और मेरी माँ बोले बेटा तुमको दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इतना ज़रूर जानो, तुम जाओ इंडियन आइडल में और वहाँ पर जाओ तुम गाना गाना स्टेज पर, तुम बहुत अच्छा मंच है और उसे तुम बहुत एक दिन बड़ा आदमी बन जाओगे सर। तो मैंने अपनी माँ के बात मानकर सर मैं आया हूँ सर, मेरा किस्मत सर आप लोगों के हाथ में है सर, प्लीज़ सर एक बार मौका दीजिए सर प्लीज। जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर, आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर, आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर, पूरे देश रो पड़ेगा सर, प्लीज़ सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। ओह वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, मर जाए हम इस तरह अपने मीते ठिकाने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, 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 रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। वो हमें वो हमें वो हमें और भी याद आने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे, भूल जाने वाले याद आने।
हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां, हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां, हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां, हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां। बोले बिनी सारे बहाने लगे, दिल बोले बिनी सारे बहाने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले। कदमों में गिर जाए मर जाए हम, मर जाए हम, इस तरह अपनी मीठी ठिकाने लगे, इस तरह अपनी मीठी ठिकाने लगे। पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम। जिससे मिलने में सारे जमाने लगे, जिससे मिलने में सारे जमाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। वो हमें वो हमें वो हमें और कदमों में गिर जाए मर जाए हम, मर जाए हम, इस तरह अपनी मीठी ठिकाने लगे, इस तरह अपनी मीठी ठिकाने लगे। पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम। जिससे मिलने सारे
जमाने लगे जिस मिलने में सारे जमाने लगे रूठ कर हम उन्हें भूल जाने 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 लगे वो हमें और भी याद दिखाने लगे It's a gift to touch somebody. आप गाया हुआ हर एक सुर नुसरत साहब का है। नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं। मैंने ये गाना 10 लाख बार बार शायद सुना होगा और अगर मैं कोशिश करूं इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है हर मुर्की हर एक्सप्रेशन आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ इतना टैलेंट देखते हैं हम और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा कैसे सीखा कौन सी गलियों में क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है क्या सादगी है क्या मासूमियत है कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी और मैं मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज इसका मतलब पता है क्या है सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द